मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि यार कहीं पर शिफ्टिंग करनी चाहिए, कहीं पर जाना चाहिए बेटर लाइफ के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन था कि मैं नॉर्थ में चले जाऊं पाकिस्तान के, उस तरफ सुकून से रहूं, क्योंकि हमें सिर्फ इंटरनेट और एक अच्छा सा घर चाहिए। इसके अलावा पिछले 4 महीने में मैंने कोई 5 कंट्री विजिट किए हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 दुबई, सऊदीया, मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान कह लेते हैं, और एक हम कह लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका में अंदर जाकर देखा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के बिहेवियर से मुझे वो पसंद नहीं आया। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि काफी सारे लोग जो हैं वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। तो यार अपॉर्चुनिटी के लिहाज से मैं कहूंगा कि दुबई बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छा अर्न कर रहा हूं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे एक सुकून वाला लाइफस्टाइल चाहिए और मुझे एक अच्छा माहौल चाहिए रहने के लिए। तो वो जो चीज मुझे नजर आई ना, वो मुझे मलेशिया में नजर आई है। मलेशिया में आपको कहूंगा कि यार बहुत ही मजे की जगह है। और सबसे मजे की बात यार, एक बिजनेस वाला बंदा होता है ना, एक जॉब वाला बंदा होता है, वो कहता है यार मैं महीने का $10,000 कमा रहा हूं, $5,000 कमा रहा हूं, मैं इसको उड़ा दूं, मैं यूएस में जाके रहूं। लेकिन बिजनेस पर्सन जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म का सोचता है। दुबई का जो मेरा मंथली खर्चा आ रहा है, वो आ रहा था तकरीबन 10 से 12 लाख का। तो मैंने कहा कि यार पाकिस्तान में जो मैं ऑलरेडी 3-4 लाख रुपए में मैनेज कर रहा हूं मंथली को, तो मैं दुबई में जाकर 10 लाख रुपए मंथली क्यों लूं। तो पासपोर्ट वाली बात तो एक अलग है, पासपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उसको तो हम छोड़ देते हैं, मलेशिया में पासपोर्ट का सीन नहीं है भाई। आपके लिए भी सजेशन है, मेरे लिए भी एक सजेशन है कि दुबई से बेहतर मुझे जो है वो मलेशिया लगा। दो लिहाज से, एक तो वेदर बहुत मजे का है, इतना सुकून वाला मैदान है कि आपको चस आ जाती है। दूसरा, मुझे मलेशिया का माहौल काफी ज्यादा अच्छा लगा। तीसरा, मलेशिया बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। तो मुझे ये 3 चीजों की वजह से मलेशिया जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसी तरह हम एक वीडियोस बनाते रहते हैं कि जिसमें हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ फायदा मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ आपको कोई अच्छी सी बात बता दूं, ताकि आपका जो दिन है वो थोड़ा सा अच्छा गुजर जाए, थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो जाए। अभी जो हम खड़े हैं, वो हम खड़े हैं थाईलैंड में, और ये है पटाया बीच है, ये काफी मशहूर बीच है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।